दिनों से अखबार में सोशल मीडिया में देख रहा था, चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान आता है, उचाणा मेरा है, मैं 5 बार एमएलए बना हूं, मेरी धर्मपत्री एमएलए बनी है, मेरा बेटा मेंबर पार्लियामेंट बना है। दुष्यंत का बयान आता है, मैं एमपी बना हूं, मैं भी एमएलए बना हूं, 50,000 से जीता हूं, उचाणा मेरा है। क्यों भाई, रजिस्ट्री करा रखी है कि तारे उचाणे की? पहले तो तुम वीरेंद्र सिंह वाला सरिया काटो थे, काटो थे कि नहीं काटो थे? उसका सरिया काटते काटते एक ऐसा सरिया ले आके खड़ा कर लिया तो सारा दिन सिद्ध है तुम ना। परेशान हो कि नहीं हो? आज आप राज बनाओ, बदलाव लाओ। मुझे याद है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पास 2009 में जब विधानसभा का चुनाव होने वाला था, उचाणा विधानसभा क्षेत्र के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के गए चंडीगढ़ में, जाकर के मिले और जाकर के कहा कि हम एक प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहते हैं। चौटाला साहब ने कहा बताओ, कहने लगे हम उचाणा से आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। चौटाला साहब ने कहा कि मेरे चुनाव लड़ने से क्या होगा? कहने लगे हमने मंत्री बना के देख लिए, एमएलए बना करके देख लिए, हम तो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। चौटाला साहब ने उचाणा के कार्यकर्ताओं का सम्मान करते उनको कहा कि ठीक है जाओ, मैं तुम्हारे उचाणा से आकर के फार्म भरूंगा। तुमने एमएलए मंत्री तो बना करके देख लिए, मुख्यमंत्री तो नहीं बना के देखे अब तक? ना जी, कोई बना के देखा जी। मुख्यमंत्री बनाने जी करे कि नहीं करे? था मुख्यमंत्री का जी करे तो फिर इन दोनों की रांध काट देना, ऐसा उम्मीदवार दूंगा जो सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। साइन की रांध काटोगे, आप सरकार बनाओगे, सरकार बनाने के बाद जिन बुजुर्गों की 4-5 लाख की पेंशन इस सरकार ने काटी है, हम उन बुजुर्गों को फिर से ब्याज के समेत पेंशन का पैसा लौटाने का काम करेंगे। भाई ये कहते थे 5100 करेंगे, इनसे ना 5100 ही अन्ना जिनकी पेंशन कटी उसका विरोध कर पाए। जब पेंशन काटी जा रही थी, केवल और केवल विरोध अगर किसी ने किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उसका विरोध किया। जहां मैंने जिला हेडक्वार्टर के ऊपर पेंशन कटी के गवर्नर के नाम पे मेमोरेंडम भेजे, वहीं विधानसभा में मुख्यमंत्री को भी कटी हुई पेंशन के लिए पूछा। एक ही बात कह रहा था कि जिसकी आय 1,80,000 से ज्यादा है हम उसको पेंशन नहीं दे सकते। चौधरी देवीलाल ने जिस दिन ये पेंशन बढ़ाई थी उस दिन किसी की आय नहीं देखी थी, केवल उम्र देखी थी, सम्मान पेंशन दी थी। ये तो काट रहे हैं, आप सरकार बनाओ, हम ये 100 रुपए वाली पेंशन आपको 7500 रुपए महीना करके देने का काम करेंगे।